हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज एक और विजिट पे हम निकल रहे हैं और कोविड के बाद ये मेरा शायद पहला नहीं दूसरा, पिशावर एक दफा गया था लेकिन ये दूसरा विजिट है मेरा। बट आई एम एक्साइटेड दैट अगेन माय ट्रैवल्स हैव स्टार्टेड एंड दिस न्यू अपॉर्चुनिटी दैट विल आल्सो be coming along with me, no? So today we are going to Lahore and I am on the road. पंजाब असम्बली का अहाता आपको सामने नज़र आ रहा है और मेरे दाएं जाने अगर मैं इस साइड पे पैन करूं अपने कैमरा को तो ये वो एरिया है जहां से आप गुजर कर सामने बाहर कैनाल रोड पर निकल जाते हैं। और ये अगर मैं इस साइड पर पैन करूं तो ये जो आपको दूर आबादी नज़र आ रही है, ये आबादी, ये अंदरून मोहल्ला है, अंदरून लाहौर जिसे हम कहते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से आगे अगर आप गुजरते जाएँ तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी चौक मिलता है। लक्ष्मी चौक से दाएं जाने वगैरह इस साइड पर आप देखें तो इस साइड पर आपको डेविस रोड होता हुआ आगे फिर मज़ीद उन एरियाज़ की तरफ निकल जाता है जहाँ पर मुख्तलिफ लाहौर के दरवाजे। आपको मालूम होगा कि लाहौर एक ऐसा शहर है जो कि वॉल्ड सिटी कहलाता है। वॉल्ड सिटी का मतलब कि ये जो पुराना शहर है वो दीवार के अंदर बना हुआ था, क्योंकि ये मुगलिया सल्तनत का एक गढ़ था तो इसीलिए जो पुराना शहर है वो सारा का सारा वॉल्ड सिटी है, दीवार के अंदर बना हुआ। उस दीवार के मुख्तलिफ दरवाजे थे, जो मेन दरवाजे थे उनमें टकसाली गेट, दहली गेट, लाहौरी गेट, भाटी गेट और दीगर शामिल हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो मॉडर्न लाहौर है वो इस वॉल्ड सिटी जो कि आपको दूर नज़र आ रहा है ये सारा पुराना शहर, उसके बाहर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो जो वॉल्ड सिटी है उसके इर्द गिर्द जो लैंडमार्क्स बिल्डिंग लाहौर की जो हैं वो उनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला और दीगर इमारतें शामिल हैं। एक जानेब आपको आज़ादी चौक मिलेगा। आज़ादी चौक की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि हमें मालूम है कि जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान थी तो उसका एक गढ़ था इकबाल पार्क या मंटो पार्क जिसे कहते हैं हम पुराना, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की काफ़ी मूवमेंट्स और जो पॉलिटिकल रैलीज थी और गैदरिंग्स थी वो सारी की सारी लाहौर में इस जगह पर हुआ करती थी। और अभी उसको उन्होंने खूबसूरत पार्क की शक्ल दे दी है और करारदाद पाकिस्तान जो थी 1940 में वो भी एक बार पार्क में मंजूर हुई थी और वहाँ पर बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत बड़ा जलसा हुआ था और उसके अंदर उस पर करारदाद को पास किया गया था। तो अपनी एक सिग्निफिकेंस है इस लाहौर की और इन एरियाज़ की जहाँ पर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आजकल जो लाहौर की हुकूमत का मरकज़ है वो ये जगह है, यहाँ पर पंजाब असम्बली है, यहाँ पर दीगर मशहूर सेक्रेटेरिएट आपको यहाँ पर नज़र आएगा इस साइड पर और दीगर इमारतें मौजूद हैं जहाँ से लाहौर पंजाब हुकूमत को चलाया जाता है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, आपको पता है, वो तकरीबन पंजाब की आबादी पाकिस्तान की आबादी का आधा बनता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब वालों की। तो अक्सर मैं लाहौर आता हूँ और मैं कभी ख्याल नहीं आया मुझे कि मैं पहले ये वीलॉग करता, लेकिन आज मुझे ख्याल आया तो मैं आज सुबह सुबह अपने गर्म बिस्तर से निकल कर आपको घुमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ।
चलते हैं लाहौर की सैर करते हैं, देखते हैं कि लाहौर सुबह के टाइम कैसे नज़र आता है। इट्स टू अर्ली, 6:30 हो रहे हैं लाहौर इस वक्त। और अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये जगह, ये भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ जाते जाते नीचे, कि ये मेरे होटल की रूफ टॉप है। यहाँ पर रात के टाइम रेस्टोरेंट लगता है, और ये इनका पूल है, बड़ा खूबसूरत पूल है। बुद्धाज इन्होंने पूल के ऊपर बिठाए हुए हैं, अल्लाह जाने किस कंसेप्ट से बिठाए हुए हैं, सिर्फ खूबसूरती के लिए बिठाए हुए हैं या फिर कोई सोच थी इसके पीछे, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। अच्छा रूफ टॉप बनाया हुआ है यहाँ पर, कोयला रेस्टोरेंट भी है। ज़्यादा मैं मशहूरी नहीं करूँगा इस होटल की, क्योंकि ये बिज़नेस के कवानीन के ख़िलाफ़ है। ईवान इकबाल, और इस साइड पर एगर्टन रोड है, यहाँ से एगर्टन से आगे जाकर आप शिमला पहाड़ी और डेविस रोड की तरफ निकल जाते हैं। तो चलते हैं लाहौर की सैर करते हैं। देख रहे हैं आप कि इस वक्त मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जानी बेजानी लग रही है। देख सकते हैं आप, जिसे कहते हैं मीनारे पाकिस्तान, और इस वक्त जिस ब्रिज से मैं गुजर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है ब्रिज, लेकिन इसकी खूबसूरती को इतना मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो इसे कहते हैं आज़ादी ब्रिज। लाहौर में मौजूद हूँ मैं, और भाटी गेट और ये सारे इलाके इस टाइम इन इलाकों से गुजर रहा हूँ। टकसाली मैंने भी पास किया है। सुबह सुबह का टाइम है, इधर लेके आने का मकसद सुबह के मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्मली डे के टाइम हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, सुबह क्या सीन है वो दिखाना चाह रहा था, ख़ुद भी देखना चाह रहा था। अभी मैं यूटर्न ले रहा हूँ इसी ब्रिज के ऊपर, तो आपको भी एक और मशहूर बिल्डिंग नज़र आएगी। बादशाही मस्जिद, और ये जो पीछे जितना भी एरिया है बादशाही मस्जिद के साथ साथ का, ये टकसाली का एरिया है। साथ में और भी चीजें इसके पास पास हैं, ये इकबाल पार्क है देख सकते हैं, और सूरज निकल रहा है कहीं मस्जिद के पीछे। जी इकबाल पार्क, और आप इन बदसूरत खंभों की तारों के बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान है, और ये बड़ा तारीखी मकाम है पाकिस्तान के क़याम के हवाले से। बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स का ये गढ़ रहा है ये एरिया, और आजकल जितना लाहौर फैल गया है उस वक्त शायद इतना फैला हुआ नहीं था ये लाहौर। और आपको और भी मैं यहाँ पर इस देख सकते दिखाता हूँ। फिलहाल अभी सुबह सुबह उठ रहा है ये चौक, पहले ऐसे ये ब्रिज नहीं था, ये भी रिसेंटली बना है। मेरे ख्याल में काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है ये, लेकिन जगह जगह आपको नज़र आएगा कि चीज़ों को उस तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता यहाँ पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ी वीकनेस है, और जो कि जिसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा काम करना चाहिए थोड़ा सा। और रात को ये जगह
ना बड़ी हलचल वाली होती है। इस वक्त चूंकि सुबह सुबह का टाइम होता है यहाँ पर तो खास हलचल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी ये दिस इज हेरिटेज और लोग यहाँ पर इस हेरिटेज से बिल्कुल दीवारों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई पूछ गछ नहीं है, लिखा हुआ भी है बाल चीटी की जागीर नहीं बनने देंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ। और यहाँ से आगे आप अगर थोड़े से चले जाएं तो टेक्साली मशहूर है ज़माना लाहौर की, आती है टेक्साली गेट और अंदरूने मोहल्ला जिसे हम कहते हैं, और खाने पीने की मशहूर दुकानें यहाँ पर हैं, बज्जा और क्या क्या कुछ, और साथ में बाजार हुस्न भी इसी तरह है। तो लाहौर अभी सुबह सुबह उठ रहा है, 7 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही आपको रोड खाली नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तेल भरने की जगह नहीं होगी। भी कोशिश यही है कि आपको ये सुबह सुबह जब ट्रैफिक नहीं है ये दिखा कर अंदरूने मोहल्ला और यहाँ से खिसक लूं, इस साइड में मुड़ते इस साइड पर आपको अजा नजर आएगा, आप अजय के अलावा और भी दीगर बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ये वो जगह है टेक्साली गेट में जो कि खाने पीने की जगह है, यहाँ पर हर बंदा ही फजा नजर आता है, जिसको देखो वो फजे वाले पाए बेच रहा है, लेकिन फजा असल फजा कौन सा है, यहाँ पर नए बंदे को समझ ही नहीं आता कौन सा है। तो सामने भी वो देखें फजे की दुकान है, लिखा हुआ है फजा सिरी पाए, और नाश्ता मशहूर है इधर का। दिल तो कर रहा है नाश्ता करूं यहां से, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ना हो जाए मेरे लिए, क्योंकि मेरा आजकल पेट बहुत सेंसिटिव हुआ हुआ है। तो ये है अंदरूने मोहल्ला, जगह पर है, मैं भी इतना ज्यादा यहाँ पर स्टे नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह कि मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा थोड़ी देर तक, तो मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। बस ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये अंदरूने लाहौर, एक तरफ आपको शाही मस्जिद शाही किला नजर आएगा, ये सामने आप देख सकते हैं कि ये शाही मस्जिद का होता है, इसकी एक वो गेट है यहाँ पर जो कि अभी बंद है। ये फूड स्ट्रीट का थोड़ा सा मैं आपको बता चलूँ कि वो फूड स्ट्रीट है जहाँ पर मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं इस फूड स्ट्रीट के ऊपर, जैसे हवेली हो गया, कुकूस डेन, इस तरह के मशहूर जितने भी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर रात के टाइम बहुत शानदार सीन होता है। आप इनके रूफ टॉप पे बैठ जाएं और फिर इनके इस एरिया का नज़ारा करें, मस्जिद का नज़ारा करें, और इसके जो सही है मस्जिद के ऊपर जो लाइटिंग इस तरीके से रात के टाइम की जाती है वो बहुत शानदार मंजर पेश करती है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ, गाड़ी के शीशे में ऊपर कर लूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। सुबह सुबह होटल से नहा कर बाहर निकला हूँ 6:30 बजे,
ये रोड रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाता है, और किसी जमाने में आप यहाँ पर आ जाते तो यहाँ पर गाड़ी चलाना और यहाँ पर ठहरना रुकना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने इसको बेहतर बना लिए हैं, रोड बना दिए हैं, और मेट्रो आपको नजर आ रहा है, सेंटर से मेट्रो गुजर रही है। ये लिखा हुआ जी टकसाली गेट, तो मेन टकसाली गेट जहाँ से अभी घूम के आ रहे हैं ये इसका दरवाजा है, ये रोड जाता है टकसाली गेट। लोग अपने कारोबार अपने काम को निकलने के लिए तैयार है लाहौर में इस वक्त सुबह सुबह, रोजगार की तलाश। जैसा कि आपको पता है हम सभी सुबह सुबह अपने काम का, मेरे जैसे लोग जब दूसरे शहर में आते हैं तो सुबह सुबह कोशिश करते हैं कि सुबह को मंजर भी देखा जाए शहरों का। अमूमन हम रात के टाइम ज़्यादा निकलते हैं, हमारा मिजाज है, लेकिन सुबह क्या होता है वो भी जानना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। So it's a breakfast area in the hotel. आज breakfast में क्या है हमारे पास? Let's see. Boiled eggs, scrambled eggs, French toast, drumsticks, pepper chicken, and some live cooking. Here's our chef. और लाहौरी हलवा, पूरी, नान पराठा, बीफ निहारी और आलू ज़ीरा, ये है हमारे पास नाश्ता। हियर इज़ द इंग्लिश वन, आपके पास मफिन्स भी हैं, डोनट्स भी हैं, क्रोसां भी हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी यहाँ पड़ी हैं जो कि इंग्लिश नाश्ते। So let's dig in. लाहौरी नाश्ता अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ये निहारी है। अगर हम कहें कि ये प्योर लाहौरी नाश्ता है तो थोड़ी सी एग्जेजरेशन होगी, क्योंकि इस टाइम मैं फाइव स्टार होटल में बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। अगर आपने ट्रेडिशनल लाहौरी नाश्ता करना है तो फिर टकसाली और भाटी गेट, अंदरून लाहौर जितने भी हैं वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल नाश्ता मिलेगा। इस वक्त मेरे पास ये हलवा भी है, पूरी भी है, नान भी हैं और निहारी भी है। तो कांट वेट एनी मोर।